Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Math Sozia। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सिर्फ x की
एक वेरिएबल आ रहा है, एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि इसमें हमारे पास टर्म्स को कंबाइन करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। हम अगर कंबाइन करेंगे तो इन्हीं दोनों वेरिएबल्स कोफिशियंट्स को कंबाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सी वेरिएबल्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। हमारे पास इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन्हीं वेरिएबल्स के कोफिशियंट को हमने ऐड करना है। जब हम इन्हीं वेरिएबल्स के कोफिशियंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास इस तरह फॉर्म हो जाएगी 1/4 प्लस 1/3 एक्स। अब इसका मतलब है कि हमने एक्स वेरिएबल्स के दो कोफिशियंट्स को ऐड किए जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन था, ठीक हो गया। अब हमने इनको ऐड करना है तो हमने ऐड इसको किस तरह करना है, इसकी ट्रैकिंग की जो डिनोमिनेटर वैल्यूज है ना ये 4 और ये वाला 3, इन डिनोमिनेटर वैल्यूज का हमने एलसीएम लेना है। जब हमने 4 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 2 4 एंड दिस वन अगेन 3, 2 1 2 अगेन 3 एंड 3 1 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 2 3 एलसीएम ट्राई। अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ भी अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे 4 को भी 12 बनाना है और यहाँ हमें 3 को भी 12 बनाना है। तो उसके लिए हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया और 3 को जी हमने मल्टीप्लाई करवाया है 4 से। अब यहाँ पे अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें न्यूमिरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, और अगर यहाँ पे हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ भी हमें न्यूमिरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जी हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 एंड 4 3 12 प्लस 4 1 4 3 4 12 और ये हमने लिख दिया है। तो ब्रैकेट एंड अगेन का वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें इनको ऐड करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। ये हमारे पास 12 आया, 3 प्लस 4 इंटू एक्स, 3 प्लस 4 क्या होता है कि 7 होता है, 7/12 एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है उस एक्सप्रेशन का जिसके जो कोफिशियंट है वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास जो इनका रिजल्ट आया है वो भी हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर है। तो ये जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो कोफिशिएंट्स वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक 2/5 y -1/3। इसमें भी हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स के कोफिशियंट्स को, ये वेरिएबल्स हैं वाई, इनके कोफिशियंट्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, लाइक 2/5 -1/3 और ये वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें 5 और 3 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो सेम आपने यही जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 15 आएगा, मीन हमें यहाँ पे 15 चाहिए यहाँ पे। इसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हमने करवाया तो 3 6/15 हो जाएगा, -5/15 हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 15 एंड 6 -5 × 5 इट्स बिकम 1/15 y। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है। तो आज का जो काम है वो हमारा यहीं तक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। होप सो कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।